हेलो नमस्कार दोस्तों, नया सीखे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पैनासोनिक का सोलो माइक्रो ओवन मैंने यहाँ पर ले रखा है। आज इसका सेटिंग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए 16 एम्पीयर का सॉकेट आपके पास होना चाहिए, तभी इसका जो प्लग है वो कनेक्ट हो पाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद स्क्रीन आपकी कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। तो आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है सबसे पहले, उसके बाद ये डॉट नज़र आएगा आपको। देखिए ये डॉट आपको नज़र आएगा, उसके बाद आपको माइक्रो पावर पे क्लिक करना है। तो हाई पे है ये, और इसके बाद क्लिक करेंगे तो डिफ्रॉस्ट पर, ये मीडियम पर है। उसके बाद प्रेस करेंगे तो लो है, फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो वार्म है। तो यहाँ पे टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो ये वोल्टेज मैं आपको यहाँ पर साइड में दे रहा हूँ कि आप देख सकते हैं अगर आपको वार्म पे चलाना है तो कितने वाट यूज़ होगा। और पावर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये सेकंड है। आपको सेकंड 10 20 30 जितना भी सेकंड आपको लेना है यूज़ करने के लिए। और ये 10 मिनट है, 1 मिनट है, बाकी आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट को प्रेस करेंगे तो आपका माइक्रो ओवन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं स्टार्ट भी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप आप एक बार दबाएंगे तो स्टॉप हो जाएगा, और दूसरी बार दबाओगे तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये डॉट आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारा माइक्रो ओवन बंद हो चुका है यहाँ से, और उसके बाद आप यह स्विच बंद कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी सेटिंग, इस तरीके से आप ये सेटिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।